नमस्कार, मैं मिसबाह उल हक और आप देख रहे हैं मगध टीवी। बात करते हैं जिला लखीसराय की। लखीसराय प्रखंड के अंतर्गत जो 10 पंचायत में चुनाव हुए एवं दो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 एवं 8 में 2021 में जो चुनाव हुए उसके काउंटिंग के समय गढ़ी विशनपुर पंचायत के कुछ मुखिया उम्मीदवार के समर्थक ने बिना वजह शांति भंग करने की कोशिश की और प्रशासन पे पथराबाजी भी की, जिसमें एक सिपाही को हाथ में चोट आई। तभी लखीसराय डीएसपी रंजन कुमार ने कुछ बल प्रयोग करते हुए एवं प्रशासन के द्वारा कराते हुए फिर से शांति व्यवस्था पे काबू पाया और घायल सिपाही को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बताते चले कि गढ़ी विशनपुर पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के रूप में कई उम्मीदवार खड़े हैं, जबकि दो उम्मीदवारों के बीच में कुछ मामला सामने आ रहा था कि एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार पे और उनके समर्थक ज्यादा। बिना उम्मीदवार की बात अगर को छोड़ दिया जाए तो समर्थक, एक उम्मीदवार के समर्थक दूसरे उम्मीदवार पे आरोप लगा रहे थे कि बाहर में माला पहनकर अबीर लगाकर वो अंदर चले आए हैं और झूठ का प्रोपगंडा फैला रहे हैं कि वो जीत चुके हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब इस तरह की बात नहीं थी और बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के, तो ये इस धर के जो उम्मीदवार के समर्थक थे जो उनके ऊपर प्रोपगंडा फैलाने का आरोप लगा रहे थे कि माला पहन करके आ गए हैं, ये अंदर आकर के हो हंगामा की स्थिति पैदा कर दी, शांति को पूरे तरह से भंग करने की कोशिश और भंग कर दिया। इसको देखते हुए उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, चूंकि बिना आईडी प्रूफ के वो अंदर आ गए थे। ये भी एक बातें थी, चर्चा का विषय था कि बिना आईडी के अंदर आए तो कैसे आए, और अंदर से उन्हें जब बाहर का रास्ता दिखाया गया तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा उधर थी और वो उग्र हो गई और पथरावबाजी भी चल गई प्रशासन के ऊपर। तो इस स्थिति को देखते हुए डीएसपी रंजन कुमार लखीसराय ने कुछ बल प्रयोग करते कराते हुए प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज की और शांति को फिर से काबू पाने की कोशिश की, जिस पे काबू पाया जा सका और जो सिपाही को चोट आई थी उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मगध टीवी के साथ अब बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए फेसबुक चैनल को जरूर लाइक करें। हमारे काउंटी हॉल में अधिकार प्रवेश कैसे हुआ? हमें कैंडिडेट खरीद जाएगा, कहाँ गए? आप प्रत्याशी हैं? साथ से जाओ, वहाँ पर टेंट में बैठेगा, फिर ऐसे घुस जाता है, घूम जाता है, एक आदमी साथ ही जाओ, चेयर पर बैठा दीजिए, चेयर पर बैठा, इनको जाने दीजिए, बैठा है, मोबाइल रखो, मोबाइल रखो। अफवाह फैला रहे थे कि हार गया, जबकि अधिकारी कोई घोषणा नहीं हुई है, उसी को लेकर सब भीड़ इकट्ठा था, उसको हटाया गया। कौन पंचायत का था सर ये? अभी गढ़ी बिशनपुर पंचायत का है और इसमें जो जिन जिन द्वारा उल्लंघन किया गया उस पर सब प्राथमिकी होगी और आज ही अरेस्टिंग होगी उसके सारी। हल्का बल प्रयोग किया गया सर? बल का प्रयोग कराना पड़ा, भीड़ था, गैदरिंग उसको हटाने के लिए कराना पड़ा। आगे क्या सकते हैं? आगे चुनाव मतदान जो निष्पक्ष रूप से चल रहा है, जो काउंटिंग है और रिजल्ट जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशी उस पर प्राथमिकी दर्ज होगी और इमीडिएट कार्रवाई होगी, आज अरेस्टिंग होगी उसकी। एक आर्मी के जवान के बीच में हंगामा, देखिए सारा घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग है और उसमें सत्यापन होते होते उस पर कार्रवाई हो जाएगी। आर्मी का जवान सर भीतर, अब उसका हम लोग पूरा रिकॉर्ड लेंगे, उसके वरीय पदाधिकारी तक को लिखेंगे उसमें। थैंक यू।